अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? यानी अगर मैं कहूँ क्या आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं धक्का देकर दरवाजा खोला, तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड्स और कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। उसके बाद मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा यानी इस कंसेप्ट को डिटेल से बताऊंगा। तो अब आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ पर आपका टाइम खत्म हुआ। आइए सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट बता दूं, फिर बाद में मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया था या गलत। ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग है। यानी आमतौर पर जो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, जहां दो एक्शन दिखाया जाता है यानी दो कामों का जिक्र होता है, वहां पर दोनों काम सब्जेक्ट के तरफ से किया जाता है। जैसे मैं होमवर्क करके कॉलेज गया या मैं नाश्ता करके ऑफिस गया, तो यहाँ पर आपने दो काम किया, नाश्ता भी किया और आप ऑफिस भी गए, या आपने होमवर्क भी किया और कॉलेज जाने का भी काम किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आसान है, क्योंकि नॉर्मली आप इसी तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जहां अगर दो एक्शन हो तो आप उन दोनों एक्शन को करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस उनसे अलग इसलिए है कि यहाँ पर दो काम दिखाया गया, पहला धक्का देने का और दूसरा दरवाजा खोलने का। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि सब्जेक्ट ने सिर्फ एक काम किया और दूसरा काम खुद बखुद हो गया। यानी आपने सिर्फ धक्का देने का काम किया, दरवाजा खुलने का काम खुद बखुद हो गया। तो अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जहां दो कामों का जिक्र हो और आप एक काम करते हैं दूसरा काम आप रूपी हो जाता है या खुद बखुद हो जाता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप वो एक्शन लिखे जो आपने किया है। अगर आपने धक्का देने का काम किया है तो आप धक्का देने की इंग्लिश लिखें, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप वो एक्शन लिखें जो खुद बखुद हो गया या आप रूपी हो गया। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई पुश्ड द डोर ओपन। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है आई, उसके बाद आप लिखेंगे पुश्ड यानी धक्का दिया, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो है डोर, उसके बाद आप लिखेंगे ओपन यानी ऑब्जेक्ट के बाद आप वो वर्ब लिखें जो आप रूपी हो गया, जो खुद बखुद हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कार धुल कर साफ किया, तो इस सेंटेंस में दो एक्शन है, पहला धुलाई करना, दूसरा साफ करना। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक्शन किया धुलने का और साफ होने का काम खुद बखुद हो गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉश्ड द कार क्लीन, यानी मैंने कार धुल कर साफ किया। याद रहे कि इस सेंटेंस में मैंने सिर्फ एक काम किया धुलाई का और दूसरा काम खुद बखुद हो गया। और अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने वो वर्ब लिखा जो मैं किया था, उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने वो एक्शन लिखा जो खुद बखुद हो गया था। मैं घर झाड़ कर साफ किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्वेप्ट द हाउस क्लीन, यानी मैं घर झाड़ कर साफ किया, मैंने तो बस झाड़ने का काम किया था, साफ होने का काम खुद बखुद हो गया। वह मुझे पीट कर नीला और काला कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बीट मी ब्लू एंड ब्लैक, यानी वह मुझे पीट कर नीला और काला कर दिया। गौर करने वाली बात यह है, उसने मुझे सिर्फ पीटा था और नीला या काला होने का काम खुद बखुद हुआ था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह एडवांस लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।